अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल पर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो प्लीज वॉच फुल वीडियो। इससे पहले की वीडियो जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल पर थी, अगर वो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उसे जरूर देखिए। देखते हैं सेकंड कंडीशनल का फॉर्मूला क्या है और ये कहाँ पर यूज होता है। सेकंड कंडीशनल का फॉर्मूला है इफ प्लस सिंपल पास्ट, ये पहला पार्ट हुआ इफ प्लस सिंपल पास्ट टेंस, ये पहला पार्ट है फॉर्मूले का। और उसका दूसरा पार्ट सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम कंडीशन रखेंगे और दूसरा पार्ट उसका रिजल्ट। अब सवाल यह है कि सेकंड कंडीशनल को किस सिचुएशन में हम यूज करेंगे। तो सेकंड कंडीशनल जो है ख्याली बातें बताने के लिए यूज किया जाता है, मतलब इमेजिनरी बातें। जैसे अगर मैं अमीर होता तो एक बड़ा घर खरीदता, ये एक इमेजिनरी बात है, एक ख्याल है। इस वक्त प्रेजेंट में हम ये बात कर रहे हैं, इस वक्त हम अमीर रिच नहीं है, लेकिन बस हम ख्याल कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। सेकंड कंडीशनल में काल्पनिक बातें होती हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं अमीर होता तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। तो इस किस्म की बातें, इमेजिनरी बातें, काल्पनिक बातें सेकंड कंडीशनल में की जाती हैं। अगर मैं पुलिस होता तो पूरे सिस्टम को चेंज कर देता। इस वक्त प्रेजेंट में हम ये बात कर रहे हैं, हम पुलिस नहीं है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मैं होता तो ये करता, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं और सिर्फ ख्याल कर रहे हैं। अगर मेरे पास कार होती तो हम जहां चाहते वहां जाते। इस वक्त हमारे पास मतलब कार नहीं है, हम सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। प्रेजेंट में खड़े होकर हम प्रेजेंट के बारे में जो है इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिनरी बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कार होती तो हम जहां चाहते वहां जाते, अगर मैं पीएम होता तो मैं ये करता। तो इस किस्म की बातें सेकंड कंडीशनल में की जाती है। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ आई वर रिच आई वुड बाय अ बिग हाउस, आई वर सिंपल पास्ट, फिर सब्जेक्ट आई, उसके बाद वुड और वर्ब फर्स्ट फॉर्म बाय। इफ आई वर रिच, अगर मैं अमीर होता, आई वुड बाय अ बिग हाउस, तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। इफ आई वर यू, इफ आई वर यू का मतलब अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट गो आउट विद हिम, तो मैं उसके साथ बाहर नहीं जाता। इफ आई वर यू आई वुड एक्सेप्ट हर प्रोपोजल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसका प्रोपोजल एक्सेप्ट कर लेता। ये सब ख्याली बातें हैं। इफ आई हैड अ कार, आई हैड सिंपल पास्ट है, या हैव ये मेन वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है हैड, हैव हैड हैड, तो ये सब्जेक्ट प्लस वी टू, ये सिंपल पास्ट है। इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास एक कार होती, वी वुड गो वेयर एवर वी वॉन्ट, तो हम जहां कहीं चाहते वहां जाते, सब्जेक्ट उसके बाद वुड फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म। इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम, प्रेजेंट में खड़े होकर हम ये बात कह रहे हैं। इफ आई हैड हिज नंबर, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसको कॉल करता, इसका मतलब हमारे पास उसका नंबर नहीं है। वी डोंट हैव हिज नंबर, आई डोंट हैव हिज नंबर, सो आई कांट कॉल हिम, और मैं उसे कॉल नहीं कर सकता। तो हम कह रहे हैं कि अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल करता। इफ आई हैड टू मोबाइल्स, अगर मेरे पास दो मोबाइल होते, आई वुड गिव यू वन, तो मैं एक तुम्हें दे देता। मतलब अभी मेरे पास दो मोबाइल नहीं है, एक ही है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मेरे पास दो होता तो मैं तुम्हें दे देता। इस किस्म की बातें सेकंड कंडीशनल में कही जाती हैं कि अगर मैं ये होता तो वो करता, या अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो करता। प्रेजेंट में खड़े होकर, प्रेजेंट के बारे में अभी तक हमने इमेजिन किया है। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बीएमडब्ल्यू कार, अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो मैं एक बीएमडब्ल्यू कार खरीदूंगा। सिक्स्थ नंबर तक सेंटेंसेस में हमने प्रेजेंट की बात की है कि अगर मैं ऐसा होता, कि अगर मैं ये होता तो ये करता, अगर मेरे पास ये होता तो मैं ये करता, प्रेजेंट की बात की है। अब ये सेवंथ सेंटेंस में हमने फ्यूचर की बात की है,
कि अगर मैं लॉटरी जीतूंगा तो बीएमडब्ल्यू कार खरीदूंगा। अब ये सेंटेंस देखिए, इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ बीएमडब्ल्यू कार। ये सेंटेंस फर्स्ट कंडीशनल का है और ये सेंटेंस सेकंड कंडीशनल का है। फर्स्ट कंडीशनल में हम वो बात करते हैं जो हमें लगता है कि होने वाली है, मतलब इस सिचुएशन में हो सकता है मेरी जेब में, मेरी पॉकेट में लॉटरी टिकट हो और कल पता चलने वाला हो कि कौन जीतेगा। तो हमारा ख्याल है, हम सोचते हैं कि, तो मैं कहूंगा कि इफ आई विन द लॉटरी टिकट, इफ आई विन द लॉटरी आई विल बाय अ बीएमडब्ल्यू कार। ये फर्स्ट कंडीशनल है, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट आई विन कॉमा सिंपल फ्यूचर आई विल बाय। और सेकंड कंडीशनल हम उस वक्त कहेंगे, फर्ज कीजिए सपोज कोई फ्रेंड हमारे पास आता है, वो कहता है कि डू यू लाइक बीएमडब्ल्यू कार, क्या तुम्हें बीएमडब्ल्यू कार पसंद है, तो हम कहेंगे या आई लाइक इट वेरी मच, मुझे बहुत पसंद है, इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बीएमडब्ल्यू कार। अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं बीएमडब्ल्यू कार खरीदूंगा। मतलब ये सिर्फ हमारा एक ड्रीम है, हमें नहीं लगता कि हम लॉटरी का टिकट हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ हमारा एक ड्रीम है, सपना है, ख्वाब है और हमें नहीं लगता कि ऐसा होगा। और फर्स्ट कंडीशनल यहाँ हमें लगता है कि ऐसा होने वाला है और सेकंड कंडीशनल ये सिर्फ एक ड्रीम है, इमेजिनेशन है। अब देखते हैं कि थर्ड कंडीशनल क्या है। थर्ड कंडीशनल का फॉर्मूला पहले देखते हैं। इसका फॉर्मूला है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये पहला पार्ट, फिर कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये कंडीशन, ये उसका रिजल्ट। थर्ड कंडीशनल में हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, थर्ड कंडीशनल में हम एक तरह से पछताते हैं, हमें पछतावा होता है, किस बात का, हम सोचते हैं कि पास्ट में अगर मैंने ये कर लिया होता तो उसका रिजल्ट ये होता, वो काम हमने पास्ट में नहीं किया, लेकिन हम कहते हैं कि अगर मैंने ये काम किया होता तो उसका रिजल्ट ये होता, ऐसा हुआ होता, या जो काम हमने पास्ट में किया था उसके बारे में हम कहते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ऐसा हुआ होता। एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आएगा, इफ वी हैड टेकन द टैक्सी, देखिए ये पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट हैड वर्ब थर्ड फॉर्म, इफ वी हैड टेकन द टैक्सी, अगर हमने टैक्सी कर ली होती, वी वुड हैव, ये वुड हैव का शॉर्ट फॉर्म, वुड हैव, वी वुड हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन, अगर हमने टैक्सी कर ली होती तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए होते अब तक। इसका मतलब पास्ट में हमने टैक्सी नहीं की, हो सकता है हम अभी रिक्शो से जा रहे हैं और अभी तक हमारी डेस्टिनेशन नहीं आई है, तो हम अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि अगर हमने टैक्सी की होती तो अभी तक हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए होते, पास्ट के बारे में हम कह रहे हैं, पछता रहे हैं हम। इफ ही हैड अपोलोजाइज्ड आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, ही हैड अपोलोजाइज्ड पास्ट परफेक्ट, इफ के साथ जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में होगा और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इफ ही हैड अपोलोजाइज्ड, अगर उसने माफी मांगी होती आई वुड हैव फॉरगिवन हिम, तो मैंने उसे माफ कर दिया होता। इसका मतलब क्या है कि पास्ट में उसने हमसे माफी नहीं मांगी, तो जाहिर बात है माफी नहीं मांगी तो हमने माफ भी नहीं किया, लेकिन हम कह रहे हैं किसी को कि अगर उसने मुझसे माफी मांगी होती तो मैंने उसे माफ कर दिया होता। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव बीन अ रिच पर्सन, अगर तुमने सख्त मेहनत की होती तो तुम एक अमीर आदमी होते। यू वुड हैव बीन यहां पर वर्ब थर्ड फॉर्म है, यू वुड हैव बीन अ रिच पर्सन, मतलब जिसको हम कह रहे हैं पास्ट में उसने हार्ड वर्क नहीं किया और आज वो रिच पर्सन नहीं है, हम उसे कह रहे हैं कि अगर तुमने वर्क हार्ड किया होता पास्ट में तो आज तो तुम अमीर आदमी होते। पास्ट के बारे में हम थर्ड कंडीशनल में बात करते हैं। इफ आई हैड बीन विद यू एट दैट टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू, इफ आई हैड बीन पास्ट परफेक्ट, अगर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता, पास्ट की बात हम कह रहे हैं, अगर मैं उस वक्त तुम्हारे साथ होता तो क्या करता,
आई वुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद करता, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था ही नहीं। इफ ही हैडंट बीन सिक ही वुड हैव विजिटेड मी, ये पास्ट परफेक्ट। इफ ही हैडंट बीन सिक, अगर वो बीमार नहीं होता तो वो जरूर मेरे पास आया होता। हम किसी से कह रहे हैं कि अगर, इसका मतलब वो पास्ट में बीमार था और उसने हमारे पास विजिट, मेरे पास विजिट नहीं की, तो हम कह रहे हैं कि अगर वो बीमार नहीं होता तो मेरे पास आया होता। ही वुड हैव विजिटेड मी। इफ आई हैड हैड हिज नंबर आई वुड हैव इनवाइटेड हिम। यहाँ पर हैड हैड दो बार आया है, एक तो ये सब्जेक्ट फिर हैड, उसके बाद ये वाला हैड मेन वर्ब है, यहाँ पर वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव, जिस तरह हम कहते हैं कि आई हैव हिज नंबर, मेरे पास उसका नंबर है, अगर उसको सिंपल पास्ट में कहना है तो हम कहेंगे आई हैड हिज नंबर, मेरे पास उसका नंबर था। तो ये वही हमें पास्ट परफेक्ट में कहना है, तो हैड दो बार यूज होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी थ्री, तो यहाँ पर वी थ्री भी हैड है। तो अगर मेरे पास उसका नंबर होता आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, तो मैंने उसे दावत दी होती। इसका मतलब पास्ट में हम एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि उस वक्त मेरे पास उसका नंबर नहीं था। इसका मतलब इफ आई हैड हैड हिज नंबर एट दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, तो मैंने उसे बुलाया होता, मैंने उसे दावत दी होती। इफ वी हैडंट स्लेप्ट लेट लास्ट नाइट, अगर हम पिछली रात को लेट नहीं सोए होते, वी वुड हैव वोकन अप अर्ली टुडे, तो आज हम जल्दी उठ गए होते। इसका मतलब लास्ट नाइट को हम देर से सोए और आज सुबह जल्दी नहीं उठे, तो हम पास्ट के बारे में पछता रहे हैं, कह रहे हैं जो काम हमने किया उसके बारे में हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो उसका रिजल्ट ये होता। ये सेंटेंस देखिए, इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम, और ये सिक्स नंबर का सेंटेंस, और ये वाला, ये जो है सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल करता इसमें, और इफ आई हैड हैड हिज नंबर आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे बुलाता, उसे मैंने दावत दी होती। दोनों में फर्क क्या है? सेकंड कंडीशनल में हम प्रेजेंट में, प्रेजेंट के बारे में इमेजिन करते हैं। फर्ज कीजिए हमारे दोस्त किसी को कॉल लगाना चाहते हैं लेकिन उनके पास नंबर नहीं है, या वो नंबर सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, मोबाइल में मिल नहीं रहा है, हम उस वक्त कहते हैं प्रेजेंट में इफ आई हैड हिज नंबर आई वुड कॉल हिम, अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं लगाता। सेकंड कंडीशनल उस वक्त भी यूज किया जाता है जब प्रेजेंट में कोई चीज इम्पॉसिबल हो। यहाँ प्रेजेंट में जिस वक्त हम ये सेंटेंस कह रहे हैं उस वक्त हमारे पास उसका नंबर नहीं है, हमारे पास उसका नंबर होना उस वक्त इम्पॉसिबल है, तो हम इमेजिन करते हैं, कहते हैं कि अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं उसे कॉल करता, ये प्रेजेंट की बात हम कह रहे हैं। और यहाँ इस सेंटेंस में हमने पास्ट की बात की है कि इफ आई हैड हैड हिज नंबर एट दैट टाइम, अगर उस वक्त मेरे पास उसका नंबर होता आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, तो मैंने उसे बुलाया होता, मैंने उसे दावत दी होती। इसका मतलब पास्ट में उस वक्त हमारे पास उसका नंबर नहीं था इसलिए हम उसे दावत नहीं दे पाए, हो सकता है आज उसका नंबर हमारे पास हो। तो ये था सेकंड थर्ड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल में हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में इमेजिन करते हैं, और थर्ड कंडीशनल में हम पास्ट के बारे में सोचते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो उसका रिजल्ट ये होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।